वकील है, कुछ कानून नहीं लिखता, पुस्तक नहीं लिखा रहे, शादी का वकील। पहले तो इस उम्र में शादी मुमकिन है, और अगर मैं शादी कर भी तो फिर मेरी औलाद, और जब मेरी औलाद हो तो फिर मैं उनके बड़े होने का इंतजार करूं, और फिर वसीयत की पहली शर्त वरना जायदाद जस के नाम से बहुत चली जाए। शादी से खुश नहीं हुई? बहुत खुश है, बहुत बहुत आज तो खुशी की रात है। कैसा शादी, माँ बाप का मेरा साथ है। लाडली को कुछ कह सकूं? फिर बात क्या है, ऐसे कभी उसे उदास देखा नहीं। इसी बात से तो मैं हैरान हूँ। तुमने पूछा था उससे? तो चलो मालूम तो करते हैं, कोई फरमाइश नहीं आओ। मुकद्दस ये कर दे, मुकद्दस ये है शहला। मत कहिए मुझे बेटी, मैं आप दोनों की बेटी नहीं हूँ। क्या कह रही हूँ? मैं आज तक ये समझती रही कि मैं मुकद्दस हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था मैं किसी का गुनाह हूँ। मुकद्दस क्या पक रही हो? क्या ये झूठ है? बोले हाँ ये झूठ है। क्या ये भी झूठ है कि मैं लवारिस हूँ? क्या ये भी झूठ है कि मुझे आपकी दहलीज पे कोई छोड़ गया था? क्या ये भी झूठ है कि मैं कातला हूँ, मुझ पे किसी का साया है? बोले बाबा बोले। खामोश। मेरी गुड़िया, मेरी जान, मेरा सब कुछ, तुम तो मेरी सांस हो बेटा। बोलो किसने बताया तुम्हें? किसने बताया तुम्हें? बाबा अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ तो मेरे सच्चे हाथ रख के कसम खाए, ये सब झूठ है। मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब दीजिए। मुकद्दस, मुकद्दस बेटा किसने बताया? किसने कहा है तुम्हें? बाबा का मोज मत रही है, मुझे बताए। पूछो किसने कहा है? बड़ा खुदा के लिए खामोश करा दो। इसका मतलब है ये सच है? बताओ मुझे बाबा को शाम में शाम को किसने बताया? किस डैडी ने?
लोग कौन हो जिसने मेरे हफ्ते बस के घर में आग लगाई है? कौन हो? कौन है? तो ये तुम हो? क्या हुआ? मैं ये पूछो शर्जील के क्या नहीं हुआ? एक कयामत आई है मुझ पर और मेरी बेटी पर एक साथ। मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें नहीं समझा शर्जील। शर्जील तुम तो डॉक्टर हो, डॉक्टर तो फरिश्ता होते हैं शेख जी। तुम कैसे फरिश्ता हो जिसने मेरी ही बेटी को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया? शेख जी डॉक्टर तो राजा होते हैं मरीजों के, तुम कैसे राजा हो शेख जी? कैसे राजा हो कि मेरा राज बीच चौराहे पर फिशा कर दिया? डॉक्टर तुम मसीहा हो शक्ति, तुम कैसे मसीहा हो कि अपने हाथों से हमारी जिंदगी छीन ली, जान ले ली हमारी? अब इस ठंडे दिल से मेरी बात सुन शक्ति। दिल धड़कता था जिसे देखकर छीन लिया है तुमने। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जमाना कहता रहा, हम सुनते रहे, बर्दाश्त करते रहे, सब्र करते रहे, लेकिन आज इतने वर्षों के बाद तुम मेरी बेटी से ये कहोगे कि वो मेरी बेटी नहीं है? मुझे ये यकीन नहीं था शर्जी। आमिर ये झूठ है, मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। तो फिर पूछो अपने बेटे से, इस हकीकत का इल्म तो सिर्फ तुम्हें था शर्जील। कैसे इल्म हुआ, कैसे इल्म हुआ तुम्हारे बेटी को? क्यों कहकर आया ये मेरी बच्ची से कि वो हमारी बच्ची नहीं है? क्यों गोद उजाड़ कर आया मेरी शरीक हयात की? पूछो इससे, पूछो। शान, क्यों किया ये तुमने सब कुछ? तुमने बताया मुकद्दस को कुछ? जी डैडी। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला? डैडी वो आप दादाजी को बता रहे थे तो मैंने सुन लिया था। बदतमीज, चल हो जाए यहां से। शर्जील, मुझे तो मेरा आशियाना उजड़ता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा शर्जील, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं आग लगा दूंगा तुम्हें, तुम्हारे इस बेटे का और इस घर को शर्जील, इस घर को। Oh, my God.
तुम्हारे डॉक्टर ने? कुछ मत पूछो सायरा, बस इतना जान लो कि हम उसे जिन्नात और आसेस से बचाकर तुम ले आए थे, लेकिन इंसानों से नहीं बचा सके। शायद तस्वीर को मेरी गोद खाली अच्छी लगती है। आमिर, उसे बताओ, आमिर उसे समझाओ कि सिर्फ जन्म देने वाली तो मां नहीं होती, मैं मां हूं उसकी। जितना प्यार मैंने उसे किया शायद उसकी अपनी मां भी न करती। मेरा दामन खाली, मैं मां हूं उसकी, सिर्फ जन्म ही तो नहीं दिया, बेटी है मेरी। और कैसी होती है मां? मेरी जैसी तो होती है। हाँ आमिर, तुम्हारा कहना बहुत मानती है, मना लो उसे प्लीज। होगे तो मान जाएगी, बहुत रोई, इतना कभी नहीं रोई, और अगर वो और रोई तो मेरा कलेजा फट जाएगा। थी तो हम दोनों इसे दरवाजे से उठा के लाए थे। आओ आओ, आज एक दफा फिर कोशिश कर देखते हैं। साल पहले इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह तुम हमारी दहलीज पर थे, जैसे आज हम तुम्हारे दरवाजे पे खड़े। मुकद्दस बेटा, जैसे तुम हमें देख रही हो ना बेटा, जब तुम हमें मिली थी ना, छोटी सी थी, तो हम दोनों ने बेटा आसमान की तरफ देखा था कि कहीं तकदीर हमसे मजाक तो नहीं कर रही। खड़ी हूं बेटा तुम्हारे दर पे, चाहो तो सीने से लगा लो, चाहो तो पहले रोन की गुजर जाओ। मुकद्दस बेटा जी, फैसला आपने करना है मेरा बच्चा, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने तुम्हें बता दी है और तुम्हें मालूम भी है। जो तुम चाहो हम दोनों हाजिर हैं।
हम दोनों आंखें बंद करते, अगर तो तुमने हमें सीने से लगा लिया तो हम समझेंगे कि तुम हमारी बच्ची हो, और अगर नहीं तो इतनी खामोशी से निकल जाना कि तकदीर को भी ना हो, क्योंकि वो बार बार हम पे हंसती रहेगी। जहांगीर कहता है, जहांगीर खान। माफ कीजिएगा, मुझे आने में जरा देर हो। अरे नहीं आमिर खान, माफी तो मुझे मांगनी है आपसे, क्योंकि आने में मुझे जरा देर हुई है। जी मैं कुछ समझा नहीं। आमिर साहब, दरअसल मेरी एक अमानत है आपके पास। अमानत आपकी मेरे पास? जी। क्या अमित साहब, आपके पास जो बच्ची है मैं उसका बाप हूं, जहांगीर खान, एक्स फॉरेस्ट ऑफिसर। साहब, आपके पास जो बच्ची है मैं उसका बाप हूं, जहांगीर खान, एक्स फॉरेस्ट ऑफिसर। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप शायद गुस्से में हैं। ये झूठ है, इसका सबूत है। मैं किसी सबूत को नहीं मानता। आपको जरूरत कैसे हुई कि आप इस घर में दाखिल हों? आमिर साहब, अगर जिगर का टुकड़ा शेर के मुंह में भी हो ना तो जरूरत खुद बखुद आ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, इत्तेफाक से ऐसा हो चुका है। अरे आमिर साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप एक बात से उसकी बेटी किस तरह जुदा कर सकते हैं? शराफत से जाओगे यहां से, जब मुलाजमों से कहूं कि धक्के देकर बाहर फेंक दे तुम्हें। चला जाता हूं, क्योंकि ये घर आपका है। लेकिन याद रखिएगा कि बेटी मेरी है
और वो मेरा हक है। बर्दाश्त की भी हद होती है मिस्टर जहांगीर, जहांगीर खान। इस वक्त तो मैं चला जाता हूं, लेकिन अगर आपके दरवाजे से मेरी बेटी ना मिली तो मुझे मजबूरन कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जरा सोचिएगा, जोश से नहीं, होश से। खुदा हाफिज। छोड़ दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो उसका नसीब है ना मामा, मुझे तो मेरी जन्नत मिल गई। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। खुदा के लिए मुझे यहाँ से ना निकालना, मैं मर जाऊंगी अपने बाबा के बगैर। वो मेरी जान है। बातें कर रही हो मेरी जान, तुम तो हमारी जिंदगी हो। झूठ बोलते हैं सारे, पागल हैं सारे। मैं सबको बता दूंगी। अब पूरी बात मेरी समझ में आ गई है। तुम दोनों ने उन लोगों के साथ जाति की। ओहो अबू जान, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है, तुम्हें उस हकीकत से पर्दा नहीं हटाना चाहिए था। इसीलिए तो मैं बता नहीं रहा था, लेकिन सारा घर मेरे पीछे पड़ गया। मरता क्या ना करता, मजबूरन बताना पड़ा, और वो भी सिर्फ मैंने आपको बताया था। अगर इसने सुन ही लिया था तो ये खामोश रहता। आज मैं अगर तुम्हें ये बता दूं कि मैं तुम्हारा असली बाप नहीं हूं तो तुम क्या करोगे? ओहो अबू जान, मगर यहां पर ऐसा नहीं है। मगर वहां ऐसा था। इसमें उस मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं, बल्कि काबिले रहम है दोनों मियां बीवी भी। इसलिए तो मैं आमिर के सामने खामोश रहा। मेरी नजरों में आमिर और उसकी बीवी की इज्जत और बढ़ गई, और उस मासूम बच्ची से मुझे और ज्यादा प्यार हो गया। इसमें उस बच्ची का क्या कसूर? दुनिया कोई रूप अपनी मर्जी से नहीं जाती सजी। इंसानियत का तकाजा तो यही है कि हम उस बच्ची से प्यार करें और उसको उसकी महरूमियों का एहसास न होने दें। अब आप क्या चाहते हैं? किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को हासिल करना चाहता हूं। वो खून है मेरा, औलाद है वो मेरी। हम नजायज तरीके से चीजें यहां से वहां ले जाते हैं, तो क्या आपकी जायज औलाद वहां से यहां नहीं ला सकते? मगर ये होगा कैसे? ये काम हम पर छोड़ दें जहांगीर साहब। ये जमाना इल्तिजा, दरख्वास्त और गुजारिशात का नहीं है। अपना हक छीन लो। फिर जमाना और कानून हमारे साथ हैं। हाँ मगर तुम लोग करोगे क्या? ये काम हम अपने हिसाब से करेंगे। अपना पता बताएं, फिर देखें ये काम कैसे होगा। इन दोनों के साथ मेरा भाई कहेगा, फिर देखे काम कैसे होता है।